बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाले लोग इस व्लॉग को ना देखें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, पढ़ने के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। जैसे कि रेंट पे करना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा ATM आकर निकाल लेते हैं। फिर मुझे दिख गए अकेले वाले भैया। ये सब कुछ लेने की आदत कहाँ थी, पर फल सब्जियाँ खुद ही लेने पड़ते हैं। और फल तो बहुत दिनों बाद अंबर आता है फल लेने का। मैंने व्लॉग बनाने के लिए मैं फोन निकाला, भैया को लगा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करनी है, तो पहले ही बोल दिया ऑनलाइन नहीं होगा। व्लॉगर्स प्रॉब्लम। खैर अभी तो समस्याओं की शुरुआत हुई है, अभी तो रुको, जब इतना देख रहे हो पूरा स्ट्रगल देखो ना। यहाँ पर दूध लिया और एक ब्रेड लिया, क्योंकि आलस बहुत है मेरे अंदर और मेरे क्या सबके ही अंदर जो बाहर रहते हैं, कहाँ उनको खाना बनाने का टाइम मिलता है। और ये देखो, इनको देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर अच्छा भी लगा, पढ़ना चाहिए। मौसम आज बहुत ज्यादा सुहावना था, घूमते हैं लोग इसमें, पर नहीं, हम तो ये काम कर रहे हैं। एक हाथ से लॉक खोलना भी एक टैलेंट की बात है, जो व्लॉगिंग के बाद ही मुझे आया। और ये देखो दूसरा स्ट्रगल, नहीं बर्तन धुलने का नहीं, कैमरा सेट करने का। यहाँ घर की तरह नहीं होता, एक काम तू कर ले एक में, सब कुछ अपना काम खुद ही करना है। बर्तन मैंने धुले ही थे कि निकलने शुरू हो गए। ये है चाय का वो पतीला, जिसकी शक्ल मैंने अपने सिलेबस से भी ज्यादा बार देख ली। और क्या मतलब कि ये बर्तन अभी रह गए। ये लो एक और बर्तन दूध पकाने के लिए, सारे काम करने भाई, अभी किचन का स्ट्रगल शुरू ही हुआ है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा आज का व्लॉग देखने के बाद जो लोग कमेंट करते थे दिल्ली में रेंट कितना है, कैसे आए, कहाँ आए, वो अब गायब हो जाएंगे। जैसे अभी मेरा फिलहाल लाइटर गायब हो गया। ये एडिटिंग के टाइम पे कचरे वाली गाड़ी क्यों आती है यार। मैंने इस लाइटर को हर जगह देखा, गैस के नीचे, फ्रिज के पास, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला। और ऐसे ही होता है पेन के साथ भी, मुझे पेन नहीं दिखाई देता, मेरे सामने रखा होता है, और लाइटर भी यहीं कहीं होगा। फिर मैंने माचिस उठाई और माचिस से ऑन कर दी, और क्या करना है। ये है जवे, जिनको बनाने के लिए आपको इतना पेशेंस चाहिए जितना मॉक टेस्ट देते देते नंबर सुधारने में आता है। तो इन सारी चीजों को ठिकाने लगा के अब असली स्ट्रगल शुरू होता है ब्रेकफास्ट का। ये है वो आइटम जो हर एस्पिरेंट के रूम में पाया जाता है। वैसे मैंने प्रोटीन के लिए छोले भिगो कर रखे थे, पर दिल्ली में प्रोटीन आपको हजम नहीं होगा, इसलिए मैदा ही एक ऑप्शन बचती है पेट भरने के लिए। और अगर आप मैदा अवॉइड करके सूजी पे आओ तो खाने की हालत कुछ ऐसी दिखती है, जला फूका बना ही नहीं मुझसे ढंग से। ये कल की स्टोरी थी, कल की ब्रेकफास्ट स्टोरी में कुछ जला फूका खाया गया, और अब मैंने सेकने शुरू करे ये ब्रेड। और ब्रेड तो फिर भी ठीक है, क्योंकि डेजर्ट के रूप में तो हमें कुछ और ही मिल रहा है। आहा, ताजी हवा। ये आज का जो कंटेंट है ना, वो मेरी क्रिएटिविटी की वजह से नहीं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल के आया है। क्या मतलब है कि मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ। तो चलो, बातें करते करते ब्रेकफास्ट भी बन गया। और ये है वो टमाटर, इनसे मिलिए मिस्टर टमाटर। इस एक टमाटर को मैंने 50 बार यूज कर लिया, और अभी तो ये 51वीं बार भी होगा। हो, कोई देख लेगा, देख लेगा, कोई देख लेगा। इसको मैंने तिजोरी में लॉक करके रख दिया। ये देखो प्रोटीन के सोर्सेज। यहाँ टिफिन में दाल लो ना तो आपको पानी मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरी आदत थोड़ी कम हो गई है प्रोटीन लेने की, मतलब ऐसे याददाश्त चली जाती है ना, ऐसी प्रोटीन वाली याददाश्त जा चुकी है। वही जो मुझे कहती थी प्रोटीन सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो बस चाय भी बन गई इसी के साथ। तो देखो दिल्ली में चाय बहुत ज्यादा फेमस है, आप एक चाय की टपरी खोल लो, पूरे दिन में आप बढ़िया कमा लोगे। और आप पूछते थे ना मेरा प्लान भी क्या है, तो यही है चाय की टपरी। क्या मतलब है कि आज हम दिखावे के चक्कर में अमीरों वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बनाना। पढ़ते पढ़ते मेरी याददाश्त कहीं खो चुकी है, तो उनको वापस बुलाने के लिए मैंने डाल लिए ये। आपको क्या लगा, बस इतना सा ही है। अभी ये जो दूध उबाल के रखा है, इसको 15 मिनट ठंडा होने के बाद फ्रिज में भी तो रखना है। फ्रिज इस बार मिली है, पिछले सीजन फ्रिज भी नहीं था हमारे पास। गर्म पानी पी के और मकान मालिक से सिल्ली के टुकड़े लेकर गर्मियां काटी थी। और ऐसे दिनों को कोई कैसे भूल सकता है, और भूल जाएगा तो हम भूलने नहीं देंगे ऐसी वीडियोस बना के। तो ये चंद टुकड़े और ये चाय पेट में डालने की वजह से आप देख रहे हो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी चम्मच फिर से खो गई और मुझे नहीं मिल रही, कैसे खाऊं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय बाय, मुझे चम्मच ढूंढनी है अभी।